क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है इन ए सेंट्रल ऑर्बिट द फोर्स इज, पहले फोर्स देखता हूँ, मेरे को जो गिवन है वो एफ बराबर दे रखा है बेटा मेरे को, एफ बराबर है म्यू यू की पावर थ्री, थ्री प्लस के टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ओके। इन द सेंट्रल ऑर्बिट द फोर्स इज दिस, ओके। इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है एट ए डिस्टेंस ए, ए दूरी से विद द वेलोसिटी, मेरे को डिस्टेंस दे रखी है बेटा, इनिशियल डिस्टेंस दे, मेरे को इनिशियली दे रखी है, इनिशियल डिस्टेंस मेरे को दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, वो दे रखी है मेरे को ए, और इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे को दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आप वी मान लो, वी इज इक्वल टू जो दे रखा है मेरे को वो ये दिया हुआ है बेटा पाँच म्यू अपॉन ए स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट के अंदर है। इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल टेन इनवर्स वन अपॉन टू विद द रेडियस वेक्टर शो दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स तो ये हो, लगने वाला फोर्स ये हो, और उस पार्टिकल को ए दूरी से प्रोजेक्ट किया जाता हो, वेलोसिटी उसकी इनिशियली ये हो, ओके, और कहना चाह रहा है इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, कौन सी दिशा में, मेकिंग एन एंगल जिस तरफ जो है वो कोण बनाता है टेन इनवर्स वन बाई टू का विद द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के साथ टेन इनवर्स वन बाई टू का जिस तरफ कोण बनाता हो, शो दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, कहना चाह रहा है उसका जो पाथ है वो ये होना चाहिए, ओके। पहले ग्राफ की बात करता हूँ, क्या कहना चाह रहा है बेटा, मेरे को सिद्ध करना है टू प्रूव दैट, क्या लाना है भाई ये भी लिख लो पहले आप, टू प्रूव दैट मेरे को लाना है आर बराबर ए टेन थीटा, कितना लाना है भाई, आर बराबर लाना है ए इंटू टेन थीटा, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। देखो बेटा मेरे पास ये तो होता है क्या, एक्स एक्सिस होता है ना, ओके, मान लिया जाए मेरा जो कर्व है वो ये है, सपोज दैट ही मेरा कोई कर्व है, ओके, तो जाहिर सी बात है कर्व के ऊपर मेरा कोई बिंदु पी होगा, ऐसे ले लो आप थोड़ा सा ऊपर को कर्व, कर्व के ऊपर ये कोई बिंदु पी है, और मैंने यहाँ से इसके ऊपर जो है रेडियस वेक्टर डाला, ये मेरा रेडियस वेक्टर मान लिया, ये वाला पॉइंट ओ मान लिया, ये मेरी एक्स एक्सिस हुई, ये वाला पॉइंट मेरा कितना है पी, क्लियर है ना, ये हुआ मेरा रेडियस वेक्टर ओ पी, और ये वाली दूरी होती है आर, आपको भी पता है कि दूरी आर होती है, इसके ऊपर फोर्स जो लगता है वो इस तरफ काम करता है एफ, क्लियर है ना। मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट डाली, यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा डाली और स्पर्श रेखा मान लिया ये है, क्लियर है ना। अगर मैं इसको रेडियस वेक्टर OP को, ये जो मेरा रेडियस वेक्टर है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये वाला कोण निकलता है और ये वाला एंगल होता है मेरा फाई, आपको पता है अगर ये फाई है तो ये भी मेरा फाई ही होता है, पार्टिकल रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में है, ओके, यानी पार्टिकल जो मूव करता है ना वो ऐसे मूव करता है, इस तरफ ऐसे मूव करता है, यानी वेलोसिटी यहाँ है v, क्लियर है ना। और ये वाला जो मेरे को दे रखा है फाई बराबर जो एंगल मेरे को दे रखा है वो दे रखा है बेटा टेन इनवर्स एक बटे दो दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ विद द रेडियस वेक्टर मेकिंग एन एंगल टेन इनवर्स वन बाई टू इन द डायरेक्शन विद द रेडियस वेक्टर, क्लियर है ना। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो होगा ये, दूसरे वाला कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का इस तरफ, पहले वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरे वाला कंपोनेंट हो जाएगा ये, आपको भी पता है कि इस तरफ जो कंपोनेंट होगा मान लिया वो होगा मेरे पास v cos phi, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा v sin phi, कोई डाउट ना होना चाहिए आपको, क्लियर है ना। और अगर पार्टिकल इस तरफ जाता है तब सेंट्रल ऑर्बिट फॉर्म नहीं होगा, अगर पार्टिकल ऐसे जाता है यानी ये वेलोसिटी का यूज़ होता है तभी मेरा सेंट्रल ऑर्बिट फॉर्म होगा, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन के अंदर मेरे को साफ साफ मेंशन है, साफ साफ दिया हुआ है, हल करता हूँ बेटा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं मेरे पास एक फार्मूला होता है रे, कितना क्या होता है रे भाई, फार्मूला होता है यू प्लस के डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर,
इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, ये फार्मूला सूत्र से। ओके चलते हैं आगे की तरफ, मैंने इसकी गुणा कर दी इधर, ये मेरे पास निकला एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और यहाँ हुआ मेरे पास u प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ f के, और यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा ध्यान से देखना है आपको, ज़्यादा नीचे नहीं कर सकता क्योंकि f मेरे को जो दे रखा है, f कितना है रे, दे रखा है न्यू यू की पावर थ्री, न्यू यू की पावर थ्री, थ्री प्लस के टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर। ओके तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया बेटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये हुआ यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यू की पावर थ्री, थ्री प्लस के टू ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, दो पावर से दो पावर कैंसिल, कितना निकल गया एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, और ये हुआ थ्री प्लस के टू ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। क्लियर है ना, आगे देखता हूँ यहाँ तक आने के बाद क्या हो रहा है कैसे हो रहा है आपके सामने रहेगा। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन वन है, ओके सीधा बोल रहा हूँ इक्वेशन वन को क्या करने पर टू इंटू डी यू ओवर डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने पर ओके चलो भाई एच स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट बाहर आ चुका, इंटीग्रेशन टू यू डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा प्लस एच स्क्वायर तो यहाँ बाहर है ही, प्लस इंटीग्रेशन डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर और इंटू टू, ओके और इंटू डी यू ओ सॉरी इंटू डी थीटा इज इक्वल टू म्यू तो बाहर चल ही रहा है। ओके आगे देखता हूँ इंटीग्रेशन थ्री इंटू यहाँ एक यू भी है ऊपर से मैंने ये यू छोड़ दिया, थ्री इंटू यू इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा और यहाँ देखो आप टू भी है, क्लियर प्लस अंदर गुणा करो आप म्यू तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन ये निकला दो इंटू टू इंटू कितना भाई ए स्क्वायर इंटू यू की पावर थ्री इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर है ना आगे चलते हैं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, डी थीटा से डी थीटा ख़त्म, ये हुआ एच स्क्वायर, यहाँ देखता हूँ ये निकला टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस आगे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एच स्क्वायर, ये मेरे पास इसको मैंने टी मान करके जब इसको इंटीग्रेशन किया ये सीधा निकलेगा डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये वाला स्टेप क्योंकि बहुत बार निकाल चुका बेटा मैं इस स्टेप को, इज इक्वल टू म्यू तो बाहर है ही, अंदर देखता हूँ यहाँ निकला थ्री इंटू यू स्क्वायर डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, मैंने इसको इंटीग्रेट किया कितना निकला टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, क्लियर प्लस ये निकला ध्यान से देखना है चार ए स्क्वायर यू की पावर फोर बटे फोर और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए दो से दो कैंसिल होगा चार से चार कैंसिल होगा, क्लियर है ना यहाँ दो से दो कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर तो बाहर ले लिया मैंने, मेरे पास कितना निकला बेटा सीधा निकलेगा यहाँ से ये होगा कितना एच स्क्वायर होने के बाद ये होगा यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कितना
कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा यहाँ पर म्यू, और यहाँ होगा बेटा कितना, ये होगा थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के ए। अगले वाली लाइन में लिख रहा हूँ, गलती ना हो जाए, एक स्टेप बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर तो ये हुआ यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, तो ये है, यहाँ हुआ थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के कितना ए। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इनिशियली देखते हैं आपको क्या दे रखा है। इनिशियली आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना है, इनिशियली ए यू बराबर कितना है, आर बराबर दिया हुआ है ए, आर बराबर ए दे रखा है ना, क्लियर है ना, आर बराबर ए है, तो जाहिर सी बात है आर इज इक्वल टू होता है वन अपॉन यू। ओके, आर बराबर कितना होता है वन अपॉन यू, तो मेरे पास वन अपॉन यू बराबर हुआ ए के, यानी यू बराबर निकल गया वन अपॉन ए। एक तो ये निकला, आगे की तरफ चलते हैं। पहले ये इक्वेशन लिखता हूँ और इनिशियल कंडीशन देखता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ है एच स्क्वायर कितना है रे, ये तो हुआ एच स्क्वायर, और यहाँ है यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, ओके, बराबर है म्यू, यहाँ है थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के ए, ओके, और ये जो फार्मूला होता है ना बेटा, ये डायरेक्ट ये वाला पोर्शन, ये वी स्क्वायर के बराबर होता है, वी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है म्यू, यहाँ होता है थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर और प्लस के ए, क्लियर है ना। आगे देखता हूँ बेटा, चूँकि क्या कैलकुलेट कर चुका था मैं, u बराबर कैलकुलेट कर चुका था वन अपॉन ए, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल जाएगा बेटा, डी यू ओवर डी थीटा तो होगा ज़ीरो, क्लियर है ना। अगेन आगे देखता हूँ, अगेन मेरे को क्या दे रखा है, अगेन मेरे को क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट रेडियस वेक्टर से जो एंगल है कितना है भाई, रेडियस वेक्टर से एंगल मेरे को दे रखा है, एंगल बराबर है टेन इनवर्स एक बटे दो, बराबर मान लिया मैंने फाई के, फाई है ना आपके सामने है ग्राफ भी, तो यहाँ से टेन फाई की जो वैल्यू आई, टेन फाई इज इक्वल टू निकला वन अपॉइंट टू। ओके, आगे देखता हूँ भाई, अगर मेरे पास टेन फाई की वैल्यू वन अपॉइंट टू है, ध्यान से देखना, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल तो होगा फाई, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आपको भी पता है लम तो हुआ ये हुआ आधार, ये हुआ करंट अंडर दी रूट पाँच, यहाँ से मैंने साइन फाई की वैल्यू निकाली, रीज़न बताऊँगा, साइन फाई होता है लंबटे कर्ण, ये हुआ डायरेक्ट वन अपॉन अंडर दी रूट पाँच। ओके, क्लियर है ना। अब मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा, इनिशियली देख रहा हूँ, इनिशियली मेरे को जो दिया है, इनिशियली मेरे पास v जो होगा ना बेटा, ध्यान से देखना है अब आपको, v बराबर होगा, ये आप थोड़ी देर के लिए वी ज़ीरो मान लो, ओके, इनिशियल वेलोसिटी वी ओ मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वी बराबर जो होगा मेरे पास वो होगा वी ज़ीरो इंटू ऊपर की डायरेक्शन में है इस तरफ, ये वी ज़ीरो ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, वी बराबर हुआ वी ज़ीरो इंटू साइन फाई, क्लियर। अब यहाँ से देखो बेटा, इनिशियली वी बराबर, वी ज़ीरो की वैल्यू है अंडर द रूट पाँच म्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू है वन अपॉन अंडर द रूट पाँच, जाहिर सी बात है इससे रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v जो निकल करके आएगा बेटा, v कितना निकलेगा रे, ऊपर निकलेगा अंडर द रूट म्यू, और नीचे से सारे के ऊपर है रूट, सारे के ऊपर है रूट, क्वेश्चन के अंदर भी देखो आप, आपको डाउट ना लग जाए, सारे के ऊपर रूट है, नीचे तक है रूट। ओके, आगे चलता हूँ, कितना निकल गया म्यू अपॉन ए। अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू निकला म्यू अपॉन ए स्क्वायर,
इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। ध्यान से देखना है आपको, आपके पास अभी तक जो आ रखा है बेटा वो ये बना हुआ है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू है एच स्क्वायर है, और यहाँ है यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर है इज इक्वल टू है म्यू, और ये है थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के ए। क्लियर है ना, आगे देखता हूँ। और उसके साथ साथ यू बराबर कितना है रे, यू बराबर वन अपॉन ए है, और डी यू ओवर डी थीटा आपका आ चुका कितना जीरो है, और वी स्क्वायर में कैलकुलेट कितना कर चुका रे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ चुका मेरे पास म्यू अपॉन ए स्क्वायर। दोनों वैल्यू डाल लो आप, वैल्यू डालने के बाद रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। म्यू अपॉन ए स्क्वायर तो निकला वी की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू म्यू अपॉन ए इज इक्वल टू एच स्क्वायर जो का तुम यू स्क्वायर यू इज इक्वल टू वन अपॉन ए, ये निकला वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा जीरो। पहले इन दोनों से हल कर लो आप, यहाँ से मेरे पास निकला म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल, एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आपके सामने। क्लियर, आगे की बात करता हूँ। अब दोनों ये उठा लो आप, ठीक है ना, अगले वाली दो उठाता हूँ, इसको और इसको यूज़ करता हूँ मैं। ध्यान से सुनना आप, अगली दो कंडीशन उठा रहा हूँ, और अगली दो कंडीशन उठाने के बाद रिजल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, देखता हूँ मेरे पास क्या आता है और कैसे आता है। चलो भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इन टू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इन टू, म्यू तो ये हुआ, ये है थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के ए। मैंने ये वाली और ये वाली उठा ली, इनिशियली मेरे को म्यू वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जो मेरे को दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा, वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होगी पाँच म्यू अपॉन ए स्क्वायर। आपको कोई भी डाउट ना लगना चाहिए, देखो आप इनिशियली दे रखा है, यहाँ भी मैंने इनिशियली लिखा हुआ है कि वी जीरो जो है मेरे पास पाँच म्यू अपॉन ए स्क्वायर है, मैंने इसको वी जीरो माना था। ओके, लेकिन यहाँ तो ये वी का काम करेगा। क्लियर, आगे चलता हूँ। तो भाई अगर मैं वैल्यू डालता हूँ और यू इज इक्वल टू, चलो ये हुआ मेरे पास पाँच म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू थ्री यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपॉन ए स्क्वायर हुई प्लस के ए स्क्वायर अपॉन यू की पावर फोर की वैल्यू ए की पावर फोर और प्लस के कितना ए। क्लियर, यहाँ से मेरे पास निकला बेटा पाँच म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू थ्री अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक पावर दो पावर से दो पावर कैंसिल वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए। क्लियर, कितना निकल गया यहाँ से, ये निकला पाँच म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू तीन तीन और एक चार म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए। सीधा सीधा ए आया पाँच म्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर म्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए बराबर निकला म्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर, एच स्क्वायर भी निकल चुका म्यू स्क्वायर भी निकल चुका, दोनों वैल्यू डाल रहा हूँ रिजल्ट निकाल रहा हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन है बेटा, लास्ट की दो इक्वेशन उठाऊंगा आप, ये उठा लो यहाँ से आप, मेरे पास है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है म्यू, और यहाँ है थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर और प्लस के ए। यही है ना, ये दो पार्ट उठा लिए, ये दो पार्ट इधर वाले। आगे चलता हूँ भाई, आगे मेरे पास क्या हुआ बेटा, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आया है मेरा म्यू, और ए जो मेरे पास है ए बराबर है म्यू अपॉन ए स्क्वायर पुट करने पर। चलो भाई, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल लो आप, एच स्क्वायर की वैल्यू तो हुई मेरे पास म्यू, और यहाँ ये निकला यू स्क्वायर प्लस के कितना निकल गया रे डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो म्यू है ही, ये हुआ थ्री यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के
कितना, ए की वैल्यू म्यू अपॉन ए स्क्वायर। इधर से पहले म्यू कॉमन ले लो आप, म्यू ये हुआ बेटा यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से म्यू कॉमन ले लिया, ये निकला थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के वन अपॉन ए स्क्वायर, म्यू से म्यू कैंसिल होएगा, यहाँ से निकला यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आप थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के वन अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। ओके यहाँ से निकला बेटा डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टू यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यू की पावर फोर प्लस के वन अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से आप निकालो डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आप एलसीएम ले लो कितना निकला टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर यू की पावर फोर प्लस के वन। क्लियर, आगे चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास सीधा निकल गया बेटा डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आप इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये होगा इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ध्यान से देखना, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर यू स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर प्लस वन का कंप्लीट स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू ए स्क्वायर यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसलिए लिख करके दिखाया है आपको, बस और कोई इंटेंशन नहीं था। डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर बन गया भाई, देखो आप वन प्लस के ए स्क्वायर यू स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस के ए स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, यहाँ से निकला डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू वन प्लस के ए स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन सॉरी ए होगा यहाँ पर अपॉन ए, गलती कर दी थी बेटा, ए स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर हो चुका। एक काम करो वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको रिसेट करो आप, ये होगा मेरे पास ए इंटू डी यू डिवाइडेड बाई वन प्लस के ए स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ए इंटू डी यू बटे वन प्लस के ए स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा, इधर यही करता हूँ, इसका जो इंटीग्रेशन है सीधा आ रहा है बच्चों वाला इंटीग्रेशन, आपको भी पता है ट्वेल्थ क्लास का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोट इनवर्स ए यू बराबर होगा इधर थीटा प्लस के सी, मान लो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ रिजल्ट मैच करने के लिए, जब थीटा बराबर सॉरी जब यू बराबर मेरे पास ए हो, ठीक है ना, तो जब u बराबर a होगा तो थीटा बराबर मेरे पास पाई अपॉन फोर होगा, देखना आप u की वैल्यू यहाँ डालो आप कैसे होगा, जब थीटा u बराबर कितना होगा a होगा, आप यहाँ डाल करके देखो ये हुआ मेरे पास कोट इनवर्स a अपॉन a, यानी कोट इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई अपॉन फोर। ओके जब u बराबर a होगा तो थीटा बराबर पाई अपॉन फोर होगा, वैल्यू डालता हूँ क्या आ रहा है देखता हूँ, तो मेरे पास निकला कोट इनवर्स ए अपॉन ए बराबर पाई अपॉन फोर प्लस के सी, यहाँ से निकला बेटा पाई अपॉन फोर प्लस के सॉरी गलती कर दी ना लिख लो इधर, ये निकला अरे यार अगले पेज पे लिखना है, तो यहाँ से कितना निकला रे देखो आप, ये निकला बेटा कोट इनवर्स वन बराबर पाई अपॉन फोर प्लस के सी, कोट इनवर्स वन की वैल्यू होती है मेरे पास पाई अपॉन फोर इज इक्वल टू पाई अपॉन फोर प्लस के सी, ये इससे कैंसिल सी बराबर आ चुका जीरो, अगर सी बराबर जीरो है तो वैल्यू डालो आप, तो मेरे पास हुआ यहाँ से कोट इनवर्स ए इंटू यू इज इक्वल टू थीटा, इसको उधर ले जाओ आप
यू इज इक्वल टू हो चुका मेरे पास कोट थीटा, और यू इज इक्वल टू होता है वन अपॉन आर, ए अपॉन आर हुआ मेरे पास कोट थीटा, क्रॉस गुना करो, ए इज इक्वल टू निकला आर कोट थीटा, आर की वैल्यू चाहिए, आर बराबर निकला ए अपॉन कोट थीटा, यानी आर इज इक्वल टू निकला ए इंटू टेन थीटा। क्लियर? प्रूफ क्या करना था भाई, प्रूफ करना था आर इज इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा। आपत्ति हो, डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है ना? बाय।